नहीं, पेंशन नहीं है हमारा, हक का पैसा जो जमा कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में यूज कर रहे हैं, वही हमारा पेंशन का पैसा हमको दो। हम ऐसा नहीं बोल रहे किसी का, किसी और से दो, हमारा पेंशन का जो हक है वही मांग रहे हम, दूसरा कोई नहीं मांग रहे। हम पेंशन मांग रहे, हमारा हक का पैसा मांग रहे हम, दूसरे कोई भी इसमें से पैसा नहीं मांग रहे, हम हमारा हक लेकर रहेंगे। नहीं नहीं, अभी जैसा है एनपीएस में कैसा, 1500-2000 में घर नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता। फैमिली में, एक फैमिली में कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं, 2000 में क्या चलेगा साहब। अच्छा, ओपीएस में कितना मिलता है, ऑफिस होता आज आपका? ओपीएस का ही बता रहा हूँ, ओपीएस का। और ओल्ड पेंशन में हमारा जो बेसिक है अभी, कम से कम 30-40 हज़ार रुपए हमको पेंशन मिलेगा। तो एनपीएस में उसमें कितना मिलेगा? 1500-2000, 1500 और 2000, उससे क्या चलेगा घर। सर, सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी बातों? मान नहीं रही, उनको मानना पड़ेगा। आम आदमी का विकास नहीं हो रहा सर, आम आदमी को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए आम आदमी को। आम आदमी सामान्य कुटुंब से आता है ना, खेती बाड़ी का आदमी है, एक पुलिस डिपार्टमेंट जैसे जनता को, एक रिटायर होने के बाद में अगर उसे पेंशन नहीं मिले क्या करेगा आदमी, बूढ़ा आदमी क्या करेगा, वो कैसा घर चलाएगा बूढ़ा आदमी बताइए। आज अगर मुझे 1700 रुपये पेंशन मिलेगी, मैं रिटायर होता हूँ, 1700 रुपये पेंशन मिलेंगी, तो 1700 रुपये में मेरा घर चल सकता है क्या? दवाई कब लाएंगे बिकट, मेडिकल में कहाँ जाएंगे हम, कहाँ 1700 रुपये में कैसा जी पाएंगे? एक आदमी 1700 रुपये में जी सकता है क्या? और मेरी बूढ़ी, मेरी पत्नी कैसे जी पाएंगे 1700 रुपये में, मुझे बताइए आप। मुझे 1700 रुपये पेंशन मिलेगी अगर मैं रिटायर होता हूँ तो कम है काफी। 1700 रुपये सर आप बताइए मुझे, सर जी सकता है आदमी 1700 में? जी सकता है क्या आदमी? 60 साल तक आपको सरकार सैलरी तो देती है। अरे 2000 मिलेंगे, आप मुझे बताइए, आज रिटायर होगा 1700 मिले, 2000 मिले, 2000 में आदमी जी सकता है क्या? 19 साल तक कहाँ रहे आप? सर हमको तो पहले तो 10 साल तो मालूम ही नहीं पड़ा हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। पहले तो ऐसा लोग बोल रहे थे, ओपीएस वाले जो लोग थे ना, वो बोल रहे थे कि बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, आप बंडी भर के लेके जाओगे, गाड़ी भर के इतना पैसा मिलेगा आपको। हमको 10 साल तक मालूम नहीं पड़ा, 10 साल के बाद में जब मालूम पड़ा कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है हमारा पैसा, हमें तब मालूम पड़ा। सरकार तो निजीकरण कर रही है। जो हमारे सहकारी जो रिटायर हो रहे हैं उनको जो पेंशन बैठी है, उनको पेंशन 1500 बैठी है, किसी सहकारी को 1500 रुपये बैठे, किसी को 1700 बैठी है, किसी को 2000 बैठे। अब मुझे बताओ, उनका लड़के की अभी शादी नहीं हुई, लड़की की शादी नहीं हुई, वो 1700 पेंशन में क्या करेगा आदमी? एक सामान्य कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, जिसने इसने 30 साल तक नौकरी किया है, अब वो मतलब बताइए उसको क्या पड़ेगा? वो 2000 में सभी उसका घर चल सकता है, आज 1400 रुपये का सिलेंडर मिलता है। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं आप तभी आंदोलन करने आते हैं? जब जब चुनाव आते तब तब आंदोलन। हम तो मोदी जी को बताना चाहते हैं कि इस बार वोट फॉर ओपीएस, बस इस बार सब कर्मचारी ने ठान लिया है कि इस बार वोट फॉर ओपीएस। और हर कर्मचारी के पीछे कितना है कि 4 तो है हम लोग, हमारे साले, हमारे भाई बहन, हम सौ सौ, एक कर्मचारी के 50 कर वोट पकड़ लो आप और मल्टीप्लाई करके देख लो आप, तो वोट की चोट करोगे। हाँ, इस बार हमको अगर अभी हम जाने के बाद में, हम तो प्रचार करेंगे वोट फॉर ओपीएस का, प्रचार जरूर करेंगे, पेंशन की बात करेगा, वही सरकार पे राज करेगा। मोदी जी तो मजबूत आदमी है, मजबूत प्रधानमंत्री देश के होंगे, मजबूत होंगे सर, लेकिन कर्मचारियों के अगेंस्ट में नहीं हो सकते। एक कर्मचारी 50 वोट बदल सकता है, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। कितने कर्मचारी होंगे? 2-3 करोड़ होंगे। 18 लाख महाराष्ट्र की बात करो, पूरे देश की बात नहीं करो, महाराष्ट्र में 18 लाख कर्मचारी हमारी संख्या है। और एक कर्मचारी अदर, यदि एक कर्मचारी के पीछे 50 लोग होंगे तो आप सोच लीजिए क्या होगा। बदलेगा इस बार सरकार? हाँ, बदलना पड़ेगा सर। कुछ लोग कह रहे हैं पांच स्टेट में लग चुकी है, अपने महाराष्ट्र में नहीं लगी है, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बैठा दिया आपको आंदोलन करने। नहीं, कांग्रेस ने नहीं बैठा, कांग्रेस या बीजेपी, हमारा रोल कॉल कुछ भी नहीं है। हमारा कॉल, हमारा सिर्फ है जो हमको पेंशन देंगे हम उसी को वोट करेंगे, पक्ष से लेना देना ही। हम नागपुर महाराष्ट्र से आए, ये गवर्नमेंट जो है हमारी, राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनकी मांगे जो है कि वह पुरानी पेंशन बहाल करे। ये बहुत सालों से हमारा युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तक 5 स्टेट में लगा है लेकिन महाराष्ट्र में नहीं लगा है, इसलिए आए हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट, यहाँ पे हम सभी लोग काम करते हैं। 2005 से बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने 2005 से बंद कर दिए। अभी हमारे लोगों की उम्र जो होगी है, कोई 45 का है, कोई 50 का है, अभी 58 साल के बाद में रिटायर हो जाएगा। हमारे फैमिली को पेंशन नहीं है। लेकिन 2004 में सरकार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने तो पुरानी पेंशन खत्म कर दी, तो आप इतने दिन बाद आए हैं अब? नहीं, ये जो है संघर्ष जो है हमारा 2005 के बाद में ही से शुरू है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 19 साल तो बहुत बड़ा समय होता है। बहुत, ये गवर्नमेंट जब तक, ये कैसा है, देश अपना जो आजाद हुआ है
देश अपना ऐसे ही आजाद नहीं हुआ ना, बहुत सालों तक अपने को संघर्ष करना पड़ा। जब कहीं अपने को आजादी मिली है, वैसे हमारा पुराना पेंशन का संघर्ष, आजादी की लड़ाई है क्या? आजादी ये एक प्रकार की आजादी है। हम हमारा रिटायरमेंट के बाद में गवर्नमेंट पूरा पैसा हमारा क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में लगा रहे, LIC में, इधर उधर। हमारा पैसा हमको नहीं मिल रहा है, पेंशन हक है हमारा, हमारा पगार जो है, हमारा बोले तो कहता सभी बातें जो है, हमारे पेंशन की हक चाहिए हमको। सैलरी तो बहुत मोटी मिलती है, लेकिन आपको सैलरी नहीं है। हमारा हम कर्मचारी 40-45 हज़ार होता है साहब, ज्यादा कहाँ होती है, मोटी कहाँ होती है। लेकिन सैलरी तो बढ़ती जाती है ना आयोग के अनुसार। सैलरी बढ़ेंगी कितनी साहब, 1000-2000 बढ़ेंगी, लेकिन महंगाई भी तो उतनी बढ़ी है ना, महंगाई कम नहीं हुई। तुम्हारा सिलेंडर देखो कितने का होता है अभी, सभी बातें हैं। लेकिन सैलरी में से बचा सकते हैं भविष्य के लिए पैसे, तो बचा सकते हैं। हमारा जो कट रहा है DGPS का, NPS का पैसा जो हमारा कट रहा है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में यूज कर रही है। हमारा पैसा जैसा पुराने लोगों को GPF जो था, वो खुद का पैसा यदि मैं बीमार हो जाऊँ मैं निकाल सकता था, वैसा हमारे इसमें नहीं होता है। सरकार तो कॉस्ट कटिंग कर रही है, लेकिन चीजों में सभी वो इसी है, तो ये अन्याय सहन नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे रस्ते पे उतरे हैं। अभी आप 1 अक्टूबर को भी आए थे, अभी एक महीना हुआ है लगभग, तो आप कुछ दिन रुक जाते ना और सरकार को मौका दीजिए। नहीं नहीं, सरकार को मौका कितने बार देंगे हम, अभी इसके बाद में जो है, अभी अल्टीमेटम जो है, अभी महाराष्ट्र नागपुर हमारा जो है यहाँ पर आए, 8 दिसंबर को हम फिर से आंदोलन करेंगे। उसके बाद में यदि इन्होंने कुछ नहीं किया तो 12 दिसंबर में हमने बोले तो काम बंद आंदोलन करेंगे हम। मेरा नाम संजय टिकले है। टिकले जी आप कहाँ से हैं? नागपुर से, महाराष्ट्र से हूँ मैं। कौन सा डिपार्टमेंट आप? टेक्निकल एजुकेशन है हम। तो हमारी मांग जो है, जो सरकारी कर्मचारी जो है, जो 31 अक्टूबर 2005 के बाद जो लगे हैं, तो उनको जूनी पेंशन योजना बंद करके नई पेंशन योजना लागू की है। इसमें कर्मचारी के जो पगार में से 10% कटता है, और 10% पैसा कटता है उसमें, हाँ तो 10% कटता है, और सरकार 14% देके ऐसी NPS योजना बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है वो 1 जनवरी 2004 के बाद लगे हैं, तो उनको भी वो पेंशन बंद कर दिया है। तो हम जो सब जो कर्मचारी हो, मीडियम क्लास के लोग हैं, हम कोई बड़े बड़े लोग नहीं है, हम सब किसान, कोई मजदूर, इनके हम घर से हम लोग हैं, परिवार से लोग हैं। तो हमारा जो भारत देश है, तो वो जो कल्याणकारी राज्य है, यहाँ पे रोजगार सबसे लोगों की जो जरूरत है उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकारी कर्मचारी ये अपने जो जिंदगी का पूरा लाइफ टाइम होता है वो पूरा सरकारी काम में लगाता है। उसके जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसको कोई सुनेगा भी नहीं। हमारी इतने बूढ़ा होने के बाद में हमारी इतनी सैलरी मिलती है, उसमें से जोड़े थोड़ा थोड़ा करके भविष्य के लिए। नहीं बराबर है, सैलरी मिलती है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई वो तो भी करना पड़ेगा क्या? नहीं, सैलरी से पैसा नहीं बचते। नहीं बचता ना, आज का जमाना महंगाई देखो ना, जैसा सैलरी बढ़ रही तो महंगाई बढ़ रही, वो सब चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। तो सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही आपकी मांग पर? सरकार ध्यान देगी तो हमारा यही कहना है कि अगर हमें सरकार पेंशन नहीं देती तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। हम जब आने वाले सरकार तो मंदिर बना रही है ना, वोट तो उस पर मिलेंगे सरकार को। नहीं मंदिर वो उसको धार्मिक भाव है, उसके ऊपर हम बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई बात तो रहा है ना उसमें भी, हम ऐसा हम बोल नहीं सकते। लेकिन कैसा, हमारी मांग जो है हमको सरकार, हाँ हमका जो हक्का पैसा जो सरकार शेयर बाजार में लगा रही, अगर कोई कर्मचारी करने के लिए पैसा चाहिए सरकार को, अगर पेंशन देगी तो सारा पैसा उसी में चला जाएगा। हमारा वो बराबर प्लानिंग किया ना, तो कुछ नहीं जाता, सब बराबर रहता, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। नागपुर से सर। आप सब नागपुर से? सब नागपुर से सर। दिल्ली में आकर क्या मिल रहा है आपको? सर हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन बहाल करें। सरकार के पास पैसा नहीं है? सर हमारे जो सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार बोल रही है पैसा नहीं है करके, लेकिन हमारे जो साले से कोई पैसा कटता है वही सरकार के पास में जमा होगा, उसी से आपको सरकार को पेंशन देना है ना, उसी से पेंशन देना है। लेकिन लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम भी नहीं करते। हमारे सैलरी से जो पैसे कट रहे हैं, अभी जो हमारे सैलरी से पैसे कट रहे हैं वो शेयर मार्केट में जा रहे हैं। ऐसा कौन सरकार के पास पता है? ये शेयर मार्केट में जा रहे हैं हमारे पैसे, ये तो हमें अभी 10 साल बाद मालूम पड़ा, 6 साल तो अभी मालूम ही नहीं पड़ा था, 6 साल तक तो अभी मालूम ही नहीं पड़ा था कि हमारे पैसा जा कहाँ रहा है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है ये तो अभी मालूम। कहाँ से हो रहा है देश का? सर देश का सर सिर्फ रोड बन रही है, सड़कें बन रही है, कर्मचारी को कहाँ विकास हो रहा है? कर्मचारी को विकास, देश का विकास होगा तो आपका विकास होगा। अरे कर्मचारी का कहाँ विकास हो रहा है, सामान्य आदमी का कहाँ विकास हो रहा है? देश आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ोगे। सामान्य आदमी को जो जरूरतें होती है, शिक्षा, आरोग्य यानी हेल्थ, वो जो सामान्य आदमी 3-4 जरूरतें होती है वो मेन जरूरत ही है।
है ना, शिक्षा में सरकार तो जो है हेल्थ बीमा करा रही है, सड़कें बना रही है, हाईवे बना रही है, बिजली पहुंचा रही है गांव-गांव में, फिर अनाज भी दे रही है, और क्या चाहिए आम आदमी को।